स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवि संघ इस काम के ओर से प्रस्ताव है, यह 18 दिन के यह सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। यह श्रीमद् भगवत गीता का तो है सुंदर, भगवत गीता श्री का तो है सुंदर, और भगवत गीता का तो है भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं ये जो है प्रेम का गीत है। भगवान जब भी कुछ कहते हैं तो उनका वाणी का वर्णन आता है, वो मेघ गंभीर और मधुर होता है। मेघ गंभीर यानी कि मेघ टकराते हैं, दुर्दुम दुर्दुम दुर्दुम, हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं फिर भी स्पष्ट सुनाई देते हैं। मेघ गंभीर और मधुर, कानों को भाता है, हृदय को भाता है, और सबको अच्छा लगता भी है। तो ये प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, करुणा है, दया है, प्यार है, वो दर्शाता है। ये भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। आइए हम यह भगवत गीता के 17वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए जो है एक छोटी छोटा सा एक भूमिका लेते हैं। ये भगवत गीता में श्रद्धा का वर्णन आता है। 15वें अध्याय में वो एक रूपक भगवान देते हैं, अश्वत्थ वृक्ष उत्तम मूल आधा शाखा, ब्रह्म लोक से इसका शाखा मूल होता है और शाखा पाता लोक तक, और उसके जो मीठे फल है वो दैवी गुण जिसका वर्णन कल गया था, और जो कट्टे फल है वो आसुरी गुण, वो कल वर्णन किया है। पर देवता और असुर के बीच में ऐसा नहीं कि दो ही प्रकार के लोग हैं, देवता और असुर के बीच में कुछ लोग हैं जो शास्त्र को मानते हैं वो देवता, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं वो असुर है। तो ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र को मानते नहीं पर वो देवता जैसे अच्छे नहीं है और साथ ही साथ असुर जैसे बुरे भी नहीं है। तो ये लोग कौन हैं? तो तीन प्रकार के लोग हैं। ये तीन प्रकार का श्रद्धा दर्शाता है। ये श्रद्धा मन की बात है, हृदय में जो हमारा चलता रहता है वो मन के द्वारा प्रकाशित होता है। हृदय को जब रज सत्वगुण भा लेता है तब जो है मन में सात्विक विचार आता है, तन से सात्विक कार्य होता है। हृदय को जब रजगुण का पास मान देता है तो मन में रजसिक विचार आते हैं, और जब हृदय को जो है आत्मा को जो है हृदय को जो है तमगुण बांध देता है तो मस्तिष्क विचार आता है। तो ये अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के एक छोटा सा रूपक लेते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके जो है तीन पुत्र है, गुड बैड एंड अगली, अच्छा बुरा और कंदन, तीन बेटे हैं, अच्छा विभीषण जैसा, बुरा रावण जैसा और गंदा जो है कुंभकर्ण है, उनके लिए तीन मकान बनाए हैं। तो जो अच्छा है वो सात्विक रहता है, साफ सुथरा रहता है,
वो दान दक्षिणा यज्ञ तप देवताओं का करता है, तो जो बुरा रहता है वो देव वो जो है राक्षसों का पूजा करता रहता है, और जो है तपस्या भी भयंकर भयंकर करता रहता है, और खाना पीना उनका चटपटा रहता है, दान भी गलत जगह पे देता है। और जो तीसरा होता है जो बुरा कर्म करने जैसे तामसिक में, वो जो है पूजा पाठ भयंकर करता रहता है। कैसे? भूतों का, मरा हुआ व्यक्तियों का, शमशान घाट में जाके तपस्या भी करता भयंकर, जिससे कि उसका शरीर को भी नाश होता है, दूसरों को भी नाश करता है, अपनी उंगलियों को काटता है इस प्रकार से, और वो खाते भी सड़ा हुआ चीज तामसिक, और दान भी देते गलत समय गलत व्यक्ति को, ठीक भाई आप भी शराब पी लो, तो इस प्रकार के, या ये लो पैसा खून करो उसका, तो इस प्रकार के तीन भाई तीन है, गुड बैड अकली। तो वैसे वो सेठ जी का पांच मकान है, पांच बेटों के लिए, एक तो बहुत ही वफादार है वो देवता है, फिर एक बहुत ही उत्पात मचा रहे हैं वो असुर है, और बाकी तीन रजोगुण सत्वगुण। तो बस यही है खेल, जो इन आंखों से नहीं दिखता है उन्हें देखना है, इन आंखों से केवल हम क्या देखेंगे, पृथ्वी जल और अग्नि, पर शास्त्र हमें सिखाता है इसके अलावा आप देखिए शरीर को मत देखिए, शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखिए, और ये भी देखिए किस प्रकार से ये शरीर ये आत्मा को जो है रजगुण से कभी बांधा जाता है, तो कभी सत्वगुण से बांधा जाता है, तो कभी तमोगुण से बांधा जाता है, जैसे कैदी को जो है 24 तत्व के जेल में रखा जाता है, और उनको पास से बांधा जाता है, पांव की कड़ी, हथकड़ी और गला का कड़ी, और उन्हें कोड़े मारते हैं, कौन से कोड़े मारते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, कैदी को थोड़ी ना वहां पे अप्सराओं देंगे और वो डांस करेगा और 5 स्टार होटल जैसे घूमता रहेगा, नहीं पीटा ही होता है, सुधरना है उनको, और उन्हें त्रिशूल से जो है कूटा जाता है, चलो चलो ये करो ये करो, तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश। तो ये जो है इन चीजों को इन आंखों से देखना है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। तो आइए इस रूपक के साथ, हम इस भूमिका के साथ, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में विभाजित करेंगे। बट तो ये बहुत सरल अध्याय है और बहुत आसान है, तो भाग 1 में हम क्या और हम प्रस्थान करते हैं, कौन जो है इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। भाग 1 में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण आपने देवताओं का वर्णन किया, आपने असुरों का वर्णन किया, पर मैंने देखा देवता जो है शास्त्र के विधि विधान को अपने जीवन में उतारते हैं और असुर जो है शास्त्र के ठीक विरुद्ध कार्य करते हैं, पर मैंने देखा ऐसे भी लोग हैं जो ना तो देवता जैसे जो शास्त्र के विधि को पालन नहीं करते, पर वो देवता जैसे अच्छे भी नहीं है और असुर जैसे बुरे भी नहीं, ये लोग कौन है और इनका श्रद्धा के बारे में इनको हम कैसे पहचानेंगे? देवताओं को मैं पहचान जाऊंगा, असुरों को पहचान पाऊंगा, और देवताओं को किस प्रकार से प्रचार करूंगा वो भी मैं जान गया, असुरों पर ऐसे भी लोग हैं जो देवता नहीं असुर है, पर उनको कैसे मैं समझूं और उनको मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा, मुझे इस बात को आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आपने कहा भक्ति योग के प्रचार करना है, तो मुझे जानना होगा कि कौन किस किसका कौन किस प्रकार से, देवताओं को मैं पहचानूंगा उनको एक अलग टेक्निक से प्रचार करूंगा, असुरों को मैं पहचानूंगा उनको एक अलग टेक्निक से पहचान करूंगा, जो शास्त्र के अर्जुन अब कहते हैं, अर्जुन वाच यह शास्त्र विधिमुश्रित यजन्ते श्रद्धायन् वेता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम् ओ रजस्तम। ओ कृष्ण आप कृपा करके बताइए कि जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को नहीं जानते हैं, आ, आ, पालन नहीं करते, पर असुर जैसे खराब भी नहीं है, देवता जैसे अच्छे भी नहीं है, तो उनको मैं कैसे पहचानूं? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य है ना,
यजन्ति श्रद्धायां मतिम, उनका श्रद्धा कहाँ पे है ये थोड़ा बताए। तेषां निष्ठा, उनका निष्ठा कहाँ पे है? सत्व सात्विक श्रद्धा है, रजसिक तत्व है, या तामसिक जो है इनका श्रद्धा है? कृष्ण आप कृपा करके मुझे बताइए। अब भक्त हो गया और प्रस्थान करते हैं, बड़ा अद्भुत विलक्षण है, बड़ा आसान है ये अध्याय, बड़ा आसान है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ है सुंदर भगवान ने कहा, श्री का अर्थ है सुंदर भगवान यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, श्री भगवान वाचक का अर्थ है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने कहा। अगर उन्होंने सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो सुंदर महत्वपूर्ण बात हमें समझा रहे हैं, हमारे हित के लिए कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए कह रहे हैं। इसलिए हम सबको जो है एकजुट होकर इसे सुनना चाहिए, इधर उधर के विचार को त्याग देना चाहिए, इधर उधर के कार्यों को त्याग देना चाहिए, इधर उधर के बातों को त्याग देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा, देही नाम सा स्वभाव बजा, सात्विका रजसी चैव तामसी चेति तम श्रीनो। हे अर्जुन, जो लोग शास्त्र को विधि नियम को पालन नहीं करते हैं ये समझ करके, ये बहुत ही जटिल है, जीवन में लागू करने लायक नहीं है, वे तीनों गुणों के द्वारा बंधे जाते हैं, तीन पास के द्वारा बांधे जाते हैं। और ये कौन से गुण में है और क्यों इस गुण में है कि इनके पिछले जीवन के कर्मों से और पिछले जीवन के कार्य से इसका संबंध है। जो पिछले जीवन में सात्विक कार्य किया, इस जीवन में वो सात्विक जो है तत्व गुण उनमें ज्यादा रहेगा, वैसे ही रजगुण और तमोगुण के बारे में। किसका श्रद्धा सत्व गुण में है, किसका श्रद्धा जो है तमोगुण में, किसका जो है रजोगुण में है, ये हम पता लगा सकते हैं कैसे? अर्जुन ये देख कर कि उस व्यक्ति का श्रद्धा किस स्तर पर है। श्रद्धा जो है अंदर की बात है, मन की बात है, और मन में वही विचार आते हैं जो जो हृदय को जिस प्रकार के पास से बांधते हैं, रजगुण तमगुण और सतगुण, उस प्रकार का जो है विचार मन में आएगा। तो अर्जुन आप सुन लो, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो च श्रद्धा स एव सः। अपने गुणों के कारण उनके अंदर अलग अलग श्रद्धा होगा, ये मन के अंदर होता है। पर वो मन के अंदर विचार कब आएगा, जिस प्रकार के गुण पास जो है हृदय को बांधेगा या आत्मा को बांधेगा, उस प्रकार का विचार जो है उसके अंदर आएगा। वो श्रद्धा उनका सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, या तामसिक होता है। आप अगर जानना चाहते हो कि वो कौन सा उसका श्रद्धा क्या है, तो ये देखो किसका उपासना कर रहा है, देवी देवताओं का या राक्षसों का या भूत प्रेतों का। हे कृष्ण कृपा करके बताइए कि कौन जो है कौन सा पूजा करता है, ये आप कृपा करके बताइए। तब मुझे पता लगे कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक है, उस प्रकार से मैं अपने प्रचार का कार्य टेक्निक्स जो है लागू करूंगा और सबको भक्ति में लाऊंगा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसान् राजसा प्रेतान भूतगणं यजन्ति तामसा जना। जो लोग सात्विक होते हैं अर्जुन, वो देवी देवताओं का उपासना करते हैं, वो गणेश जी के मंदिर में जाते हैं सोमवार को, मंगलवार को, और शिव जी के मंदिर में जाते हैं सोमवार को, और बुधवार को जो बुद्ध मंदिर में जाते हैं, और गुरुवार को जो है वो जो है बृहस्पति के पास जाते हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करते हैं, और जो है शनिवार को घंटी बजाते हैं हनुमान जी के यहाँ पे, और रविवार को सूर्य उपासना करते हैं। ये सात्विक लोग हैं। यक्ष राक्षस राजसा, जो लोग रजगुण में होते हैं, जानिए वो लोग जो है
कोई हिटलर को पूछता है तो कोई नेपोलियन को पूछता है तो कोई स्टालिन को पूछता है, राक्षसों का पूजा करते हैं। तो इन लोगों जो है आप राजसिक मानिए। और जो लोग भूत प्रेत और के जो है उपासना करते हैं वो खुद का भी अनित करते हैं और उनका अनित करते हैं। जो रजस के होते हैं वो खुद का तो थोड़ा बहुत लाभ करते हैं, दूसरा का अनित करते हैं, पर सत्वगुण वाले खुद का भी हित करता है और उनको भी लाभ करता है। जान ले आप अर्जुन। हे कृष्ण, मैंने देखा कि ऐसे तो बहुत लोग हैं जो लोग देवता भी नहीं असुर भी हैं पर वो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तो उनका शुद्धा मैं कैसे पहचानूं, उनको मैं कैसे प्रचार करूं? तो समझ लो अर्जुन वो किस प्रकार का तपस्या करते हैं, तपस्या को आप जान लीजिए। तो इस प्रकार से उनके तपस्याओं से पता लगेगा कि वो कौन से गुण में है। अशास्त्र भी तम घोरम तपयंती ये तपो जना दंभाकार संयुक्त काम रागा बलान्विता। जो लोग ना तो देवता है ना असुर है पर पूजा पाठ भी नहीं करते हैं वो लोग अलग अलग प्रकार के तपस्या करते हैं, और ये तपस्या जो है वो किस प्रकार का तपस्या करता है इससे पता लगेगा कि वे जो है कौन से गुण में है। कुछ लोग बहुत भयंकर तपस्या करते हैं अपने आपको ये बताने के लिए दंभ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, तपस्या करते हैं। मैं धार्मिक हूं बताने के लिए वो तपस्या करते हैं पर अंदर असुरी प्रवृत्ति रहते हैं, अहंकार घमंड कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, उनके अंदर काम रहता है मुझे और चाहिए और चाहिए, राग रहता है जितने भी लड़कियां हो मेरी होनी चाहिए, और बल रहता है और इसे शरीर को कष्ट देते हैं। इस प्रकार से घमंड अहंकार के साथ ये लोग तपस्या करते हैं, ऐसा तपस्या जो कि शास्त्र में वर्णन में आता है। करश्यन्त शरीरस्तम भूतग्रामम अचेतसा माम चैवान्त शरीरस्तम तान विधि असुर निश्चयम्। इस प्रकार से जो लोग बहुत शरीर को कष्ट देते हैं और मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वो खुद को तो कष्ट दे ही रहे हैं, जैसे भौमासुर खुद के शरीर को काट रहा था, शरीर को भी काट रहा था और परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को दुख लगता है कि कोई अगर पिताजी को खराब लगता है बेटा कोई गलत काम करता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कौन किसका उपासना कर रहा है। हे कृष्ण, पर हर कोई जो है पूजा पाठ नहीं करता तो मुझे कैसा पता लगेगा कि कौन से गुण में है, बताइए बताइए। बताता हूँ बताता हूँ, उनकी तपस्या से पता लगेगा। मान लो जो बहुत सब लोग तपस्या नहीं करते हैं, सब लोग उपासना नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप में अमेरिका में भारत में भी है जो लोग ना तो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, ना राक्षस को पूजा ना ये करते हैं, ना तो लोग तपस्या करते हैं, इनके बारे में आप क्या कहोगे अर्जुन कृष्ण? तो उनके आहार को देखो, ऐसा कोई नहीं हो सकता है अर्जुन की जो खाता नहीं हो। गरीब भी खाता है अमीर भी खाता है, खाए बगैर कोई नहीं रहता। इनके आहार से पता लगेगा कि वो सात्विक इनका श्रद्धा है कि रजसिक श्रद्धा है या तामसिक श्रद्धा है, ये जानकर आप ऐसे ऐसे लोगों को भी इतने इतने अलग टेक्निक से उनको प्रचार करो, उनको भक्ति मिलाओ। अर्जुन आहार तब अपि सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रिया यज्ञ तप तथा दानम तेषां वेदम इमं श्रीमु। आहार से पता लगा सकते हो, ये आहार उनका 3 प्रकार का होगा, उनके यज्ञ से पता कर सकते हो किस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं उससे पता लग सकता है, तो तपस्या जो कर रहे हैं उससे पता लग सकता है, उनके दान से पता लग सकता है। अर्जुन यानी कि इस अध्याय में उनका उपासना का वर्णन किया गया है, उनका आहार का वर्णन किया गया है, उनका यज्ञ का वर्णन आएगा, का तपस्या का वर्णन आएगा, दान का वर्णन आएगा। तो इससे आप पता लग सकते हो अर्जुन कि इनका श्रद्धा किस 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 में है, किस प्रकार का श्रद्धा है, और ऐसे लोगों को अपने अलग अलग टेक्निक से आप उनको जो है प्रचार करो। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो इस प्रकार से अब अर्जुन को बताएंगे कि कौन किस प्रकार का आहार करता है।
ये बहुत रोचक है क्योंकि हमारे जीवन में हम रोज आहार लिए भी तो रह नहीं सकते, तो आहार के बारे में वर्णन आएगा 8, 9 और 10 में। कौन सा आहार सात्विक है, कौन सा आहार राजसिक है, कौन सा आहार तामसिक है, इससे पता लगेगा कि उनका श्रद्धा क्या है। ऐसा सात्विक आहार जो आयु को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, हमें आरोग्य रखता है, वो देखते ही सुख होता है, सुन से ही सुख लगता है, और स्वादिष्ट स्वाद खाने में सुख लगता है, प्रीति लगता है, प्रीति का वर्धन करता है, रसमय होता है, स्निग्ध होता है और हृदय को बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसे आहार सात्विक कहा गया है। तो इस प्रकार से आयु को बढ़ाता है और बल को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, ये तीन बातें पहले लाइन में, वो सुख को बढ़ाता है, चौथा प्रीति वर्धन हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाता है, आपस में भाईचारा बढ़ाता है, ये पांच हो गया। रसमय होता है यानी कि वो एकदम कड़क नहीं होता है, रसमय होता है, स्निग्ध है, स्थिर है, और वो जो है बहुत पवित्र होता है और ताजा होता है और हृदय को स्थिर करने वाला। तो लगभग 8 या 9 गुण बताए गए हैं जो सात्विक आहार रहते हैं। वो सात्विक आहार जैसे फल हो गया है इत्यादि, जो कि हमारे हमारी सत्व को, हमारी चेतना को पवित्र करता है, वो शरीर में बल लाता है, आरोग्य लाता है, हमारे अंदर खुशियां लाता है और हमारे अंदर संतुष्टि लाता है। ऐसे जो आहार है वो बहुत ही रसमय होता है, पानी पानी होता है और अच्छा भी होता है और बहुत जो है भाता भी है और हृदय को भी बहुत जो है प्यारा लगता है, स्निग्ध होता है। इस प्रकार से जो है आंखों को भी देखने के लिए वो अच्छा होता है, सुनने के लिए भी अच्छा होता है, खाने के लिए तो यानी कि 9 द्वार को भी अच्छा लगता है, यानी कि सुबह जब जाते हैं तो मल भी स्मूथली निकल जाता है और मूत्र भी स्मूथली निकल जाता है। तो समझ लेना चाहिए सात्विक आहार है, और ये सात्विक आहार तब होता है जब शुद्ध पैसे से लाया जाता है, शुद्ध पैसा यानी कि वो पैसा जिसमें पाप ना हो, यत्र पाप चतुर्विदा यत्र अधर्म चतुर्विदा, यानी कि द्यूत पान और इस प्रकार से जो शराब के धंधे से या मांसाहार करके या जुआ खेल के पैसा या व्यभिचार करके पैसा लाए, पाप का पैसा नहीं होना चाहिए, पवित्र पैसा होना चाहिए और पवित्र लोगों के द्वारा बनाया हुआ जाना चाहिए और पवित्र लोगों के द्वारा इसे क्या होना चाहिए परोस लिया जाता है, तब जो है वो आहार सात्विक होता है। सात्विक सात्विक होता है अर्जुन साहब। तो हम अपने आप को टटोल सकते हैं, कोई बात नहीं, जो लोग राजसिक होते हैं उनके बारे में सुनो। कड़वा आमला लवान्ति उष्ण तीक्ष्ण रुत्स विदाहिना आहार राजस्य इष्ठा दुःख शोकमया प्रदा। जो एकदम कड़वा हो, जो एकदम जो है नमक से भरा हो, नमकीन हो, जो एकदम गर्म हो, एकदम गर्म, और जो एकदम जो है अलग अलग प्रकार सूखा हो या मिर्ची से भरा हुआ हो, ऐसे खाना जो है दुख लाता है, कष्ट लाता है और बीमारी लाता है। खाओ गली में और थोड़ा जो है टीका चटनी डालो ना भैया। तो ये जो है रजस्य होता है, तो हमें पता लग सकता है कि हमारे आहार से कि हम पता करेंगे कि कौन सात्विक है या रजस्य के, भले वो पूजा पाठ करे या तपस्या, पूजा पाठ ना करे या तपस्या ना, आहार से पता लग जाएगा कि उनका श्रोता कैसा है। तो उन प्रकार से अर्जुन आप उनको प्रचार करके उनको भक्ति में लाओ। तो खाओ गली में, चटपटा चाहिए, ये चाहिए, और थोड़ा मीठा चटनी लगा दो ना, और थोड़ा गर्म करके दो ना। यता यामना गता रसम भूति पर्युषिताञ्च उच्छिष्टम् अपि चामेद्यम् भोजनम् तामसा प्रियम्। जो तामसिक लोग होते हैं वो ऐसे खाना खाते हैं जो कि ताजा नहीं होता है, जो खाना 3 घंटे के बाद
पकने के 3 घंटे बाद खाया जाता है वो तमसिक होता है, और ऐसा खाना ठंडा होता है और सूखा होता है, बदबूदार होता है, देखने के लिए भी अच्छा नहीं होता है, कभी कभी तो सड़ा हुआ भी होता है, और कभी कभी दूसरे किसी ने खाया हुआ है उसका बचा हुआ होता है। तो इस प्रकार से गुरु का हो या श्रेष्ठ वैष्णव का जुटन वो एक अलग बात है, पर इन दोनों को छोड़कर किसी और का होता है वो जो है गंदा होता है। ऐसी चीज जो शास्त्र मना करते हैं, ऑमलेट, शॉमलेट, मंडा, अंडा और जो है मटन, ये सब जो है ऐसे लोग खाते हैं जिसका मति तामसिक होता है, श्रद्धा तामसिक होता है। और इस प्रकार के आहार को जो सात्विक जन होते हैं वे दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं, अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, या कुछ लोग स्त्रियां पंचांग प्रणाम कर लेते हैं दूर से ऐसे गंदे आहार को। तो इस प्रकार से आहार से पता लग जाएगा कि वो रजसिक है, तामसिक है या क्या है, कौन से। अगर वो घर में बैठ के या मंदिर में वो प्रसाद लेता है वो सात्विक है, खाओ गली में और थोड़ा चट्टर, अरे थोड़ा तीखा मीठ, तो समझ लें, या कोई गंदे जगह में वो खाता है अंडा फंडा मठन, तो समझ लें तामसिक है। तो इस प्रकार से जो है आहार से पता लग जाएगा कि वो श्रद्धा के उसका क्या है, और ऐसे ऐसे लोग को उसी प्रकार से आप प्रचार करो और जानिए वो किस प्रकार का यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से भी आप पता कर पाओगे कि उनका क्या है, श्रद्धा कहाँ है। अगर कोई यज्ञ करता है ये समझ के कि मेरा कर्तव्य है, वो अपने हित के लिए करता है औरों के हित के लिए, यज्ञ जो होता है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है, यज्ञ पुरुष विष्णु को प्रसन्न करने, पर फिर भी शास्त्र की बात है वो, पर कोई यज्ञ करता है केवल अपने हित के लिए और औरों के भलाई के लिए, मैं अमीर रहूंगा औरों को भी जो है अमीर बनाऊंगा, तो वो सात्विक होता है। कोई यज्ञ करता है ताकि उसका नाम मिले और थोड़ा सा लाभ मिले, और दूसरे जो दूसरों को कष्ट देता है वो रजसिक, और तामसिक वाले जो खुद यज्ञ करेगा, अपना सर काटेगा, अपना उंगली काटेगा, ये सब करेगा और दूसरों को कष्ट देने के लिए यज्ञ करेगा, तो तामसिक होता है। तो इस प्रकार से पता लग जाएगा। अल्पा अफला कांक्षिपीर यज्ञो विदितिष्टो इच्छते यष्टाव्यं एवती मनः समाधय। यज्ञ के बारे में आप सुनो अर्जुन, वो यज्ञ जो शास्त्र के निर्देशों के अनुसार मनाया जाता है कर्तव्य के रूप में, कोई उसे लाभ नहीं चाहिए, ऐसा यज्ञ को हम सात्विक यज्ञ कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अलग अलग प्रकार का वाजपेय यज्ञ, इस प्रकार से अलग अलग यज्ञ करते थे शास्त्र के अनुकूल, अपने लिए और जगत के लिए। कर्तव्य, राजा का कर्तव्य वो कर रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे अमीर बनना है, कर्तव्य है ऐसे। अभिसंदाया फलम तम्बार्तम अपि चैव यद्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। कुछ लोग यज्ञ करते हैं अर्जुन, पर वो यज्ञ जो है गर्व के साथ करते हैं, मैं कितना बड़ा जो है धार्मिक व्यक्ति हूँ, बोर्ड में लिखना होगा कि सज्जन जो है यज्ञ संपन्न कराए, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, फिर अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, नाम बोर्ड में होना चाहिए। तो वो सात्विक यज्ञ से थोड़ा खराब माना जाता है, और वो राजसिक यज्ञ है वो अपने लाभ के लिए करता है और दूसरों को इसमें हानि पहुंचे इसका कोई परवाह नहीं है। ऐसे यज्ञ जो है हे भरत श्रेष्ठ, भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, जानो वो राजसिक है। अब सुनो वो यज्ञ जो कि तामसिक है, विधि नाम अस्तिष्ठाना मंत्रहीना
दक्षिणां श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसा परिचक्षते। वो यज्ञ जो शास्त्र के अनुसार मनाया नहीं जाता है और जिसमें प्रसाद बांटा नहीं जाता है, जिसमें वैदिक महामंत्र का उच्चारण नहीं होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, और जो पुजारी होते हैं उनको दान दक्षिणा नहीं दिया जाता है, वो समझ लो तामसिक यज्ञ होता है। जैसे भस्मासुर ने किया था वो यज्ञ, हाँ, उंगली पे उंगली गांठ के ताक रहता है। और बाद में शिव जी के साथ पार्वती को देखा, वरदान क्या मांगा, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो बगैर पार्वती को पाना है तो शिव जी को हटाना पड़ेगा, तो शिव जी के सर पे ही हाथ डालने मर गया। तो ये खुद का तो हानि कर रहा है और दूसरे का भी हानि कर रहा है, ऐसे तामसिक होते हैं यज्ञ। तो इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा पता लगेगा। और अर्जुन ये देखिए कि वो किस प्रकार का तपस्या करता है। तपस्या शरीर का होता है, मन का होता है और वाणी का होता है। और ये तपस्या सत्वगुण में होता है, रजगुण में होता है और तमगुण में होता है। तो ये जो तपस्या अभी करते हैं, पहला हमने देखा वो किसका उपासना करता है, देवी देवता या राक्षसों का या भूत प्रेतों का। फिर हमने देखा वो किस प्रकार का जो है आहार लेता है, आहार के बाद तपस्या को हमने देखा। अब ये तपस्या का चर्चा जारी है यहाँ पे। फिर यज्ञ को देखा, अभी तपस्या को देख रहे हैं। यज्ञ आहार, आहार से पहले उपासना पूजा पाठ, अभी तपस्या। देवा द्विज गुरु प्रज्ञा पूजा नाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शरीरं तप उच्यते। शरीर का तपस्या क्या है, जो तपस्या से हम देवताओं को प्रणाम करें, ब्राह्मणों को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, जो विज्ञ जन होते हैं, प्रज्ञ जन होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजा करते हैं और पवित्र होते हैं, और मन से और बाहर से। अर्जुन यानी कि सरल, जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है अंदर, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। इनके करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है, इनके कथनी करनी से मेल खाता है और उनका करनी उनके कथनी से मेल खाता है। ब्रह्मचार्यम यानी कि पवित्रता का पालन करते हैं, ब्रह्म में उनका आचरण रहता है, गंदे विचार उनके मन में नहीं आते। अहिंसा यानी कि वो खूब प्रचार करता है, हिंसा का अर्थ होता है प्रचार नहीं करता। जहां जैसे ही हमने प्रचार नहीं किया तो कश्मीर फाइल केरला स्टोरी शुरू हो जाता है। धन्य है प्रभुपाद जी जिन्होंने प्रचार किया, उन्होंने कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी को तो उड़ा दिया, उन्होंने भक्ति फाइल और भक्ति स्टोरी चालू कर दिया और उसमें हिप्पियों का हैप्पी बनाया, रूसियों का ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीज को जापान में लगा दिया और दुखियों को सुखी बनाया, अफ्रीकन्स का किचन बनाया, अमेरिकन्स का अमर बनाया। श्रील प्रभुपाद की ये तपस्या शरीर का है। अब सुना तपस्या जो है वाणी का, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चय स्वाध्याय अभय सनम जैव वाण्मयम तप उच्यते। वो तपस्या जो है वाणी का है, जो सत्य पालन करता है, सबको प्रिय हो, सबको लाभदायक हो, किसी को जो है चोट नहीं पहुंचाता है या किसी को जो उद्वेग या भड़काता है या उनको दुख पहुंचाता है, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जो शास्त्र की बातों को अपने वाणी में लेते हैं वो जो है वाणी का जो है क्या है, तपस्या है, अनुद्वेग। सत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात, सत्य को हम पर प्रिय होना चाहिए। कोई व्यक्ति मोटा है तो उनको सीधा मोटा बोलेगा तो बुरा लगेगा, बोलेंगे आप जो है बहुत ही जो है तंदुरुस्त लगते हो, जरूरत से ज्यादा तंदुरुस्त, यानी कि वो उसको अच्छा भी लगेगा पर उनको पता भी लगेगा कि अरे मैं मोटा हो गया। तो इस प्रकार से अनुपेक कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चाहिए, वो सत्य भी बोलो पर प्रिय बोलो, ये वाणी का। ये तब होता है जब हम जो है
समय का सदुपयोग करते हैं, यानी कि हर समय हरि कथा श्रवण करते हैं और इधर उधर का बातें नहीं करते, प्रजल्प नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे वाणी जो है ये जो तपस्या का पालन कर लेते हैं। मन का तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्य मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मनसा उच्चते, इसको मन का तपस्या कहा जाता है। मन का तपस्या क्या है? मन प्रसादा सोमत्वम, वो एकदम जो है सरल जीवन में ऊंचे विचार, मेरे शरीर और आत्मा को एक रखने के जो कुछ भी आवश्यक है वो मैं करूंगा, और उसमें गंभीरता होता है, गरिमा होता है, भगवान को प्रिय करने के लिए मैं क्या क्या कार्य करूं, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। जो मुझे भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया, ऐसा नहीं कि भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके पास मुझसे बड़ा रोटी कपड़ा मकान कैसे, नहीं, वो संतुष्ट रहता है, भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया और जो भी दिया मुझे मुझे अच्छा दिया, वो संतुष्ट रहता है। अगर किसी के पास ज्यादा दिखता है तो वो खुश हो जाता है, भगवान के उनके ऊपर कृपा है, बहुत अच्छी बात है, और किसी के अंदर कम देखता है तो हो सकता है वो दान देगा या, पर घमंड नहीं बताता है। और जो है समशुद्धि, वो अपने आप को जो है अपनी बुद्धि को जो है नियंत्रित रखता है, दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होता है, वो कैशियर की तरह 1 लाख रुपया बैंक में आ गया तो वो नाचता नहीं है, बल्ले बल्ले उसको मन में बैंक पैसा बैंक में आया, और 10 लाख रुपया गया तो ये नहीं करता, ये क्या क्यों हुआ कब हुआ, नहीं वो बोलता है बैंक से गया, कुछ सेवा में जाएगा वापस आ जाएगा, तो इस प्रकार से। पर ये वाणी मन और शरीर का जो तपस्या है, अब ये सत्वगुण रजगुण और तमोगुण में भी आएगा, तो इनकी जो तपस्या है जो सत्वगुण में होगा, जिसका वाणी सत्वगुण में होगा, जिसका शरीर का तपस्या सत्वगुण में होगा, जिसका मन का तपस्या सत्वगुण में होगा, वो लोग इस प्रकार से लक्षण दिखाएंगे। कैसे लक्षण बताएंगे? श्रद्धया परया तापम तपस्तत्रिविदं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकीं परिचक्षते। ये जो शरीर मन और वाणी का तपस्या है, उस जो है श्रद्धालु लोग द्वारा द्वारा जब किया जाता है, और वापसी में कुछ नहीं चाहते, शरीर का तपस्या वाणी का तपस्या मन का तपस्या करके वो जो है श्रद्धा के साथ करते हैं, करते हुए समझ करके करते हैं, शास्त्र में कहे करके गए, गुरु ने कहा करके कहते हैं, और वापसी में कुछ नहीं चाहते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पूजा चाहिए, लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, नहीं, सुंदर स्त्री चाहिए, लोग मेरा जय जयकार करें, नहीं, ये सात्विक तपस्या है इनका, उसका वाणी का तपस्या, उसका मन का तपस्या और उनका शरीर का तपस्या सात्विक है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो ये 3 चीज का तपस्या करते हैं, शरीर मन और वाणी का, वो सात्विक तपस्या है, जो उनका श्रद्धा सात्विक है, उनको कैसे प्रचार करना है उसका टेक्निक बाद में बताया जाएगा आपको। सत्करा मान पूजा तम तपोदम्बे न चैवय क्रियाति तदिह प्रोक्तम राजसं चालम अध्रुवम। वो तपस्या करेंगे पर घमंड के साथ, मेरे सिवा इतना तपस्या कोई नहीं कर सकता है, हिरण्यकश्यप रावण रावण रावण, तो इस प्रकार से दशा दशो दशा में मैंने तो घमंड होता है, और इसलिए करता है कि सब लोग उनका पूजा करे पाठ करे, मैं इस तपस्या के पूरी राज्य को एक जो है सम्राट बनूंगा, चक्रपति सम्राट, इस प्रकार से पूजा लाभ का जो है अपेक्षा करता है। इसका जो फल है वो शाश्वत भी नहीं रहता है और स्थिर भी नहीं रहता है, जैसे हिरण्यकश्यप कुछ समय के लिए था बड़ा, फिर बाद में गया चला गया, रावण भी कुछ समय के लिए अपना प्रभाव बताया, फिर बाद में लंका भी नहीं रहा और रावण भी नहीं रहा,
तो इनका तपस्या वाणी का हो, शरीर का हो, या मन का हो, वो जो है घमंड के लिए जो करते हैं, पानी में घमंड, शरीर के हरकत में घमंड, मन में घमंड के लिए घमंडी विचार होते हैं, ये सब जो है रजसिक। मूढ़ा ग्राहे ग्रहिण आत्मनो यत् पीड़ाया किर क्रिया तपा परस्यो साधना अर्थम वा तत्तामसमुदारितम्। वो तपस्या करता है ये तामसिक लोग घमंड के कारण, ताकि लोग जो है उनको आदर दे। ये जो है रजसिक है, पर ये जो है तामसिक लोग होते हैं, वो अपने शरीर को तपस्या देते हैं, मन को तपस्या देते हैं, वाणी में ऐसे बातें करते हैं कि खुद भी दुखी हो जाते हैं औरों को दुखी करते हैं। ऐसे तामसिक जो है, भस्मासुर का उदाहरण ठीक बैठता है इसमें, तो इस प्रकार से इनका तपस्या है। और भी अर्जुन कह रहा है कि अरे पर सबको तपस्या नहीं करते, पर वो ना तो देवता है ना असुर है, और कुछ लक्षण है जिसे मैं पता करूं कि ये सत्गुण में है, रजगुण में है, तमगुण में है। तो देखिए वो किस कैसे दान करता है, कहाँ कहाँ पे ध्यान करता है, और कैसे कैसे ध्यान दान करता है। दान भी तीन प्रकार का है, जो सत्गुण में दान देता है उसमें उनको भी लाभ मिलता है, औरों को भी लाभ मिलता है। जो रजगुण में ये करता है वो उनके कुछ लाभ मिलता है, बाकियों को थोड़ा हानि पहुंचाता है। और जो तामसिक दान करता है वो खुद के लिए भी लाभ अहित करता है, और उनका भी अहित करता है। दाता व्यमिति यत् दानम दीयते अनु अग्रिणे देश काले च पात्र च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सही समय पे, सही स्थान पर, सही पात्र को, व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो दान जो है सात्विक माना जाता है। वो दान जो है कर्तव्य मान के जाया जाता है ब्राह्मणों को या वैष्णवों को, तो वो सात्विक माना जाता है। वो वापसी में कुछ इच्छा नहीं रखते हैं, सही समय पे दिया जाता है, योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, सही स्थान पे दिया जाता है, वो सात्विक होता है। इससे दान देने वाले का हृदय जो है प्रसन्न हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो दान पाता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, जो है आसक्ति से रहित हो जाता है, और जो है वो राग जो है संसार के प्रति उससे थोड़ा थोड़ा मुक्त हो जाता है। ये सच्चा घटना है राजस्थान का सीकर जिला का। गरीब से गरीब व्यक्ति है, गरीब, बहुत गरीब, क्या बोलते हैं झाड़ू वाले होते हैं ना, जो हिंदी बोलते हैं वो थे, पर उनके अंदर एक अच्छा गुण था। गुण ये था कि वो लोग जो है 1 रुपया कमाते तो 70 पैसे साधु संतों के सेवा में, सही समय सही स्थान में। तो उनको सही समय में सही स्थान पे सही व्यक्ति को दान देने से अनगिनत लाभ मिलता है, तो उनको धन और मिल गया। तो लोग छोटे मोटे जो है तरकारी के दुकान खोले, तरकारी सब्जी। अब उनको 10 रुपया रोज मिलने लगा, तो वो जो है 10 में से 7 रुपया दान में देते थे। देखिए प्रसन्नता के साथ दान में देते थे साधु संतों को, सही समय से दान में, और ज्यादा लाभ मिला। तो उन्होंने किराना का दुकान खोला, तो उनको रोज का जो है 100 रुपया मिलने लगा, तो 70 रुपया दान में देने लगे। बड़ी बात है, प्रेम से देते थे, सही समय सही स्थान पे सही व्यक्ति को। और इस प्रकार से वो जो है और उनको धन मिला, अनगिनत लाभ मिला। तो बहुत सारे जो किराना का दुकान, फिर बाद में मॉल खोला, इतना उनके पास धन है, अभी उनके पता नहीं बैंक में कितना पैसा है, कितना सुपर मॉल है वो भी पता नहीं, कितना गाड़ी है उनको पता नहीं। उन्होंने आज से 15 साल पहले सीकर में जो है विश्व का सबसे बड़ा सत्संग कार्यक्रम 30 जो है दिन के लिए किया था, महाभारत 30 दिन के लिए, और ब्रज के एक महान संत उनको जो है कथा के लिए व्यास के रूप में जो है आमंत्रित किया गया था। श्री श्रीमद श्रीपाद परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी,
रामानंदी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री गुरुदेव, महान संत आए थे। 30 दिन के लिए भारत के जितने भी संत थे उनके लिए हवाई जहाज से या ट्रेन से आने का सुविधा, रहने का सुविधा, और सबको दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। इतना धन था, इतना धन है। आज उनके बेटे बच्चों के पास इतनी गाड़ियां, पर दान देने में भगवान और देते हैं। तो सही समय पे सही स्थान पे दान देना, ये सत्वगुण में होता है। रजगुण में जो होते हैं वो लोग भी दान देते हैं। उनका दान कैसे होता है? यत्तु प्रत्युपाक अर्तम फलम उद्दिशया वा पुनम दियते चा परिग्लिष्टम तद्दानम राजसस्मतम। जो दान देता है, पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा पोड़ आना चाहिए, और मुझे कुछ फैसिलिटी मिलना चाहिए, मैं सबसे आगे होना चाहिए, मुझे मोटे मोटे माला सबके सामने पहनाना चाहिए, और मेरा नाम जो है अनाउंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बात है, रजस्विक दान है ये, कोई बात नहीं। और दान देता है ये, मतलब वापस आ गए, ठीक है ठीक है, लेके जाओ लेके जाओ, चिड़चिड़ापन आपके साथ देते हैं, है ना। और कभी कभी तो बोलने वाले, बोलने में भी बहुत पटु होते हैं। फूल से बगीचा तो नहीं, फूलों का जो है गुच्छा भी नहीं, फूलों का माला भी नहीं, फूल भी नहीं, फूल का पंखड़ी भी नहीं, फूल का पंखड़ी का पंखड़ी ये ले। देना था 5 लाख रुपया, तो मतलब मेरी आपसे 5 बचा रिसिप्ट काटो, और इसका जो है परमानेंट रिसिप्ट भी। तो इस प्रकार से चिड़चिड़ापन के साथ जो देते हैं वो क्या है, रजसिक होते हैं। कुछ वापसी में चाहिए तो रजसिक होते हैं। जो भी है अच्छी बात है, पर दान तो दे रहे। पर आदेश काले यद दानम अपात्रिभ्य च दीयते असत्कृतम अवाचनम तम तत्तामस उदारितम। और वो धन जो कि वापसी में जो है कुछ चाहिए, ये जो है वो जान जाए, गलत समय में गलत स्थान में गलत व्यक्ति को दिया जाता है, गलत कार्य के लिए दिया जाता है, और गलत पैसा देते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति जुआ खेलकर पैसा जीता है, पाप का पैसा, और वो देखा कि बाहर आते थे, देखा कि आज तो शनिवार का रात है, मेरे हाथ में शबाब और कबाब और शराब भी है, पर ये भिखारी तो ऐसे ही बैठा है, चलो वो भी क्या याद रखेगा, ये ले बॉटल आपके लिए, ये लो शराब और ये है कबाब और ये शबाब भी लीजिए। यानी कि वो दान दिया, कौन सा पैसे का, पाप के पैसे का, और क्या दिया, शराब दिया, गलत समय में गलत कार्य में और गलत कार्य के लिए दिया। तो ये जो है तामसिक दान होता है। तो इस प्रकार से आपको पता लगा, आप पता लगा पाओगे कि ये व्यक्ति का श्रद्धा जो है सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। और ऐसे लोग को आप उस उनके टेक्निक, अलग अलग टेक्निक के द्वारा उनको प्रचार करके भक्त बनाओ, भक्त बनाओ। देवताओं को प्रचार करने का एक अलग टेक्निक है, रजोगुण में जिसका, सतोगुण में जिसका श्रद्धा है उनको प्रचार करने का टेक्निक अलग है, और जो रजोगुण में जो है जिसका श्रद्धा उनको प्रचार करने का टेक्निक अलग है, और तमोगुण में जिसका श्रद्धा है उनका प्रचार करने का टेक्निक अलग है, और असुरी लोगों को भी प्रचार करना है उनको भी प्रचार करने का टेक्निक अलग है। इसलिए मैं 16वें और 17वें अध्याय में ये दैवी असुर और रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का श्रद्धा के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ये सब कार्य हम करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो आहार लेते हो या तपस्या करते हो या दान देते हैं, पर ये सब करते करते कुछ ना कुछ गलती होती है, त्रुटि होती है। पर इन सब गलतियों को पूरा करने के लिए पुरातन समय में वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्राह्मण जो है ओम तत्सत बोलते हैं। ओम तत्सत बोलने से उसके अंदर जो दोष है वो दोष जो है दूर हो जाता है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविदा स्मृता ब्राह्मणा तेना वेदश्च यज्ञ च विहिता पुरा। इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने के, ओम जो है भगवान को संबोधित करता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संबोधित, तत् यानी कि ये कार्य उनके लिए जो है निर्धारित किया है, वो ओम के लिए यानी कि भगवान,
और सत यानी कि ये शाश्वत रहेगा क्योंकि भगवान शाश्वत है। तो इस प्रकार से ओम तत् सत का उच्चारण करके उसके अंदर जो दोष है उस दोष को जो है पुरातन समय में वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्राह्मण लोग करते थे। हम जो भी कार्य करें उसके साथ ओम तत् सत लिखे तो वो कार्य संपूर्ण माना जाता है, उसके अंदर जो दोष है वो निकल जाता है। प्रभुपाद जी जब अपने पत्र लिखते थे उसके पीछे सिग्नेचर करते यू आर एवर वेल शेयर करके भी ओम तत् सत लिखते थे। फिर एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद तस्मा ओमिति उदारित यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विदानुक्त सततम् ब्रह्मवादीनाम। इस प्रकार से जो ब्रह्मवादी होते हैं जो आध्यात्मिकवादी होते हैं वो चाहे वो तपस्या करते हैं यज्ञ करते हैं या दान करते हैं वो उन तत्सत का उच्चारण करते हैं ताकि उसमें आने वाला दोष जो है दूर हो जाता है और वो जो है कार्य शाश्वतता को प्राप्त कर लेते हैं। वो कार्य भगवान को अर्पण किया जाता है और भगवान जो है ओम उसे प्रसन्न हो जाते हैं ओम तत् सत् इति। तो इस प्रकार से तद्विधि तद्इति अनाभिशाम दया फलम यज्ञ तप क्रिया दानम क्रिया च विविधा क्रियंत मोक्षकांक्षी। इस प्रकार से जो है यज्ञ दान तप करके जो 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 आध्यात्मिकवादी है वो कार्य तो करते हैं यज्ञ दान तप और ये करके जो है वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। सद्भावे सद्भावे साधु भावे च सदिति उति प्रयुज्यते प्रशास्ते कर्माणि तथा शब्द पार्थ युज्यते। इस प्रकार से जो है ओम तत्सत का उच्चारण करके व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो कार्य जो है आध्यात्मिकता का स्तर को प्राप्त कर लेता है और उनके यज्ञ दान तप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है बड़े सुंदर रूप से इस बात को बताया जा रहा है यज्ञ तपस्या दाने च स्थिति सदिति तो यते कर्म चैव तद तृतीयां सदिति एवाभ्यापीतायते। इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना ये जो है लक्ष्य बन जाता है और उनके हर कार्य जो है सफल हो जाता है। अश्रद्धया हुतम दातम तपस्तपम कृतम चयत अश्रद्ध इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेतय नो इहा। इस प्रकार से उनका हर कार्य सफल हो जाता है और ये अध्याय वास्तव में बहुत ही रोचक है, हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। इससे पता लगता है कि हमारा श्रद्धा कहाँ है। हम अपने आप को टटोल कर देख सकते हैं कि हमारा श्रद्धा कहाँ पे है। तो ये अध्याय से हमें पता लगा कि किसका श्रद्धा किधर, उनके आहार से पता लग सकता है, दान से पता लगता है। हमने देखा दान सही समय पे सही स्थान पे सही व्यक्ति को अगर दिया जाए तो अनगिनत लाभ मिलता है। सीकर जिला के उस व्यक्तित्व का वर्णन किया जो कि वो लोग क्या थे, भंगी थे, पर आज इतने धन धन से अपार धन उनको प्राप्त हो क्योंकि सही समय सही स्थान सही व्यक्ति को दिया। देखिए आप सबसे निवेदन है, हम ये यज्ञ कर रहे हैं 18 दिन का ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में जो है बहुत जो है हमें भी जो है धन की आवश्यकता पड़ती है। हम वाईफाई चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, वाईफाई के लिए अलग से पेमेंट करना होता है, व्हाट्सएप के लिए अलग से पेमेंट करना होता है, कुछ स्टाफ है उनको भी पेमेंट करना होता है और अलग अलग गैजेट्स है वो भी लाना होता है और गैजेट्स को मेंटेन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ता है। हम तो ये करेंगे जरूर करेंगे पर ये एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। हमारा ये लक्ष्य है भगवद गीता को जो है मनुष्य मात्र नहीं जीव मात्र स्वीकार करें। इस भगवद गीता को इतना सरल करना है कि सब लोग जो है इस भगवद गीता से प्रेम करने लगे। इतना सरल आसान रोचक बनाना है कि हर कोई जो है गीत गाए पर भगवद गीता रूपी गीत गाए। बस स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख जीव मात्र जो है भगवद गीता गाए। हम यही कार्य पे लगे हुए यही यज्ञ पे लगे हैं पर इस यज्ञ को पूरा करने के लिए आपका सहयोग जो है आवश्यकता है। भगवान जरूर हमें साथ देंगे। आप अगर सहयोग करेंगे यानी कि सही समय पे सही स्थान पे सही व्यक्ति को दे रहे हो तो आपको अनगिनत लाभ मिलेगा। आप सबसे निवेदन है इस यज्ञ में आप अपना सहयोग करें, सात्विक और आध्यात्मिक दान का जो है अनगिनत लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सब बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण किए, मेरे उत्साह को भी आप लोग ने बहुत ही प्रोत्साहित किया।
इसलिए हृदय की गहराई से आप सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्णा।